इतने दिन की और इतने लोगों की मेहनत हम यूं ही नहीं बर्बाद करेंगे। ये पाक महीना है रमजान का, हम घर पर रहकर ही दुआ करेंगे। मम्मी कहती है ना कि खुदा बच्चों की दुआ बहुत जल्द कबूल करते हैं, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घरों में रहिए। मैं ईद का जश्न अकेले नहीं मनाऊंगा, सारी दुनिया के साथ मनाऊंगा, मगर इस महामारी को हराने के बाद मनाऊंगा। आज पहली दफा है कि हम सब एक साथ घर में रह के नमाज पढ़ रहे हैं और हम सब की दुआ भी एक ही है। हमें इस एकता को बरकरार रखना होगा, हमें घर में ही रहना होगा और इसी तरह लड़ना होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, सभी का इलाज करता हूँ, लेकिन मैं जब घर में आता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ, बहुत दुआ करता हूँ। और मेरी यही दुआ रहती है कि सभी लोग, जितने समाज के लोग हैं, सब अपने घर में सुरक्षित रहें, बिल्कुल ठीक से रहें। कहते हैं उस्ताद हमेशा बच्चों को और बाकियों को अच्छे बुरे का फर्क बताता है, उन्हें हमेशा देता है, कुछ मांगता नहीं है। पर आज ये उस्ताद कुछ मांग रहा है अपनी ईदी। घर पर रहो और सबकी खैरियत की दुआ करो, यही ईदी है मेरी, बस इतना कर दो, मुझे मेरी ईदी दे दो। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न इस विकट घड़ी में, इस समय अकाल पुरख वाहेगुरु के चरणों में प्रार्थना है कि वो अपनी रहमत से सारे जीवों का भला करें। रांची प्रशासन द्वारा इस समस्या से निजात पाने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन में हम सब का दायित्व बनता है कि अपने घरों में रहकर इस बीमारी से निजात पाने में अपना सहयोग करें और अपने अपने अकीदे के अनुसार प्रभु परमात्मा के पास प्रार्थना करें, अरदास करें और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के सहभागी बनकर कामयाबी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। डॉक्टर हरविंदर वीर सिंह, पूर्व विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, रोंडा महाविद्यालय। मैं शक्ति रामायण सिंह, हिंदपीढ़ी निवासी। आप सभी हिंदपीढ़ी वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो विपदा की घड़ी आई है कोरोना नामक बीमारी के नाम से, उससे बचने का एक ही उपाय है, घर में सुरक्षित रहें, परिवार के संग रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और हमारे इस विपदा की घड़ी में जो भगवान कोई न कोई रूप में आते हैं, आज इस समय डॉक्टर के रूप में, नगर निगम कर्मचारी के रूप में और हमारे पुलिस महोदय, पुलिस प्रशासन झारखंड के जितने भी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 24 घंटा अपने बहुमूल्य देकर हम लोग का सुरक्षा कर रहे हैं और हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि इस विपदा की घड़ी में हम सब सुरक्षित रहें। और हम सब हिंदपीढ़ी वासियों से फिर निवेदन करना चाहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।